स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कूलम्स लॉ का जो लिमिटेशन है, तो पहला लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल है फॉर स्टैटिक चार्ज के लिए और पॉइंट चार्ज के लिए। यानी कि कूलम्स का जो लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं हम लोग? तो देखिए, पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक मिनट, पहला याद रखना है कि पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स का लॉ वैलिड है। पॉइंट चार्ज अब क्या होता है, तो देखिए, अगर ये कोई बॉडी है, इसको अगर चार्ज कर देते हैं और इस पर अगर चार्ज है Q1, ठीक है, इसको चार्ज कर दिए, और दूसरा एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज Q2 है, तो ये दोनों चार्ज को पॉइंट चार्ज कब कहेंगे और कब नहीं कहा जाएगा। तो अगर दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, हम लोग R लेते हैं, अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट के साइज से, अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी इसका साइज कहां से यहां से यहां तक होगा, साइज से अगर बहुत बहुत अधिक है, यानी साइज से अगर बहुत ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट के चार्ज को पॉइंट चार्ज कहा जाएगा। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज बॉडी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनके साइज से अगर बहुत ज्यादा है, यानी ये आर बहुत ज्यादा है इसके इनके साइज से, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को अगर कंपेरिजन करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इस वाले डिस्टेंस से, यानी इस बॉडी के साइज से। तो इस सिचुएशन में इस बॉडी पर जो चार्ज होगा उसे पॉइंट चार्ज कहा जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज बॉडी है और दूसरा चार्ज बॉडी इसके बहुत, ये चार्ज बॉडी है और दूसरा चार्ज बॉडी इसके बहुत नजदीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनके साइज से, दोनों के बीच का डिस्टेंस इनके साइज से कम है, तो इस सिचुएशन में इन बॉडी के चार्ज को पॉइंट चार्ज नहीं कहा जाएगा। तो पॉइंट चार्ज तब कहते हैं कि जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इनके साइज से क्या होना चाहिए, इस बॉडी के साइज से बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में बॉडी के चार्ज को कहा जाएगा पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स का जो लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। पहला बात तो ये याद रखना है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरी बात ये याद रखना है कि कूलम्स का लॉ स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। स्टैटिक चार्ज का मतलब ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, समझे, दोनों रेस्ट में होना चाहिए, ये भी रेस्ट और ये भी रेस्ट, तो एप्लीकेबल है। अगर ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है तो भी एप्लीकेबल है, तो भी वैलिड है, कूलम्स का लॉ वर्क करेगा। लेकिन हाँ, या फिर ये मूव कर रहा है और ये रेस्ट में है, कोई एक रेस्ट में है, तो भी एप्लीकेबल है, वैलिड है। लेकिन अगर ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, दोनों चार्ज क्या है, यानी बॉडी अगर मूव करेगा तो चार्ज भी मूव करेगा, तो दोनों बॉडी अगर मूव कर रहा है तो दोनों चार्ज मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कूलम्स का लॉ वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना है।
कि कूलम्स का लॉ, कूलम्स लॉ वैलिड है या एप्लीकेबल है फॉर द स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात ये याद रखना है कि चार्ज के बीच का डिस्टेंस, चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, यानी 1 फेम्टोमीटर। 10 टू द पावर माइनस 15 को क्या कहें, 15 को क्या कहते हैं, फेम्टो कहते हैं, यानी 1 फेम्टोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। आर का वैल्यू 1 फेम्टोमीटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो क्या होता है, देखिए अगर आर का वैल्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 10 टू द पावर माइनस 15 से कम हो जाता है तो उस समय न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगता है। न्यूक्लियर चैप्टर है पढ़ना, न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम हो जाता है तो, या फिर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर यानी 1 फेम्टोमीटर हो जाएगा, तो उस समय कूलम्स लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि उस समय न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगता है। यानी कि जो कूलम्स फोर्स है, कूलम्स लॉ है, वो वैलिड है उस समय जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, दैट इज 1 फेम्टोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। यानी आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। पहला है कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है, यानी दोनों चार्ज या तो रेस्ट में हो या एक चार्ज रेस्ट में हो दूसरा मूव कर रहा हो, दोनों अगर मूव कर रहा है तो वैलिड नहीं है। और तीसरी बात क्या है कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर या उससे कम होता है तो उस समय न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगता है, कूलम्स फोर्स उस समय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक।